नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा। मैं आपके साथ फिर हाजिर हूँ। मैंने जैसे कि कल वीडियो मैंने अपनी शूट किया था, मैंने वीडियो डाला है, इसके पहले का वीडियो आप ज़रूर चेकआउट करिएगा। जैसे कि मैंने वीडियो डाला है, मैंने आपसे बताया कि मैं बेसन के ऐसे दो तीन फेस पैक बताऊँगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद भी होगा, हमारे लिए भी। हम लेडीज़ों को क्या होता है ना, प्रॉब्लम होती है कि ये फेस पैक लगाएं, वो फेस पैक लगाएं, लेकिन अब मैं जितने फेस पैक शेयर कर रही हूँ ना, आप कोई सा भी फेस पैक लगाइए, उसे डेली आप 15 दिन तक लगातार लगाइए, अमेजिंग ग्लो मिलेगा। आपके चेहरे के डार्क सर्कल, झाइयाँ, दाग धब्बे, ऑयल, जो ऑयल होता है ना, चाहे ड्राई स्किन वाले हों, आजकल का मौसम ऐसा है ना कि चाहे ड्राई स्किन, चाहे ऑयली स्किन, और कोई भी स्किन टाइप के लोग हो ना, वो ना आजकल ऐसे चिपचिपा सा मौसम हो रहा है कि चेहरे पे ऐसे एक्स्ट्रा ऑयल सा आ ही जाता है, फेस अजीब सा हो जाता है। तो जो ये मैं फेस पैक दो तीन शेयर कर रही हूँ, अगर आप इसे डेली फॉलो करेंगे, इसे लगाएंगे ना, तो अमेजिंग सा ग्लो भी मिलेगा और आपके मन मुताबिक आपके फेस रहेंगे। मेकअप कर लेंगे लॉन्ग टाइम तक, आपके फेस पे पसीना नहीं आएगा, चिपचिपापन नहीं रहेगा और आपका फेस एक अच्छा सा ग्लो लाएगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, वीडियो स्टार्ट करती हूँ। उसके लिए मुझे चाहिए होगा सबसे पहले खाली कटोरी, और मैं उसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच बेसन। इसमें खाली दो ही चीज़ आपको ऐड करनी है, 1 चम्मच बेसन हो गया और 1 चम्मच हो गया दही। जी हाँ दोस्तों, मैं इसमें 1 चम्मच दही ही ऐड करूँगी और इसमें और कुछ नहीं ऐड करना है। ये फेस पैक बहुत ही अच्छा है। दही क्या करता है, दही एक एंटी एजिंग का काम भी करता है, एजिंग का हमारे फेस पर लाने नहीं देता है, पहली बात तो। और दूसरी बात ये है, दही हमारे जो है सन टैनिंग को भी हटाता है। और तीसरी बात ये है कि दही हमारे फेस के लिए बहुत ही अच्छा है। दही विटामिन सी भी होता है, और विटामिन सी हमारे फेस के लिए कितना अच्छा होता है ये है तो हम सभी जानते हैं, ठीक है। तो मैं इसको अच्छा से एक स्मूथ सा पेस्ट रेडी कर लूँगी, और इसको मैं रेडी करने के बाद जो है इसको मैं दो से चार मिनट तक मैं इसको रख दूँगी ताकि ये फूल जाए, ठीक है। हमें ऐसे ही अपने फेस पर अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो मैं इसको अच्छे से एक पेस्ट बना लूँगी और जो है इसको मैं रख दूँगी 5 मिनट के लिए, ठीक है। तो ये देखिए, ये मैंने इसको अच्छा सा पेस्ट रेडी कर लिया है। अब मैं इसको रख दूँगी 5 मिनट, खाली 5 मिनट के लिए, फिर मैं आपके सामने आती हूँ, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये 5 मिनट हो चुका है, ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा ये फूल गया है। तो मैं इसको एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, ठीक है। आपको दो ही चीज़ लगानी है, आपको ज़्यादा झंझट नहीं करना है। अगर जिसकी स्किन जो है ड्राई है, बहुत ज़्यादा ड्राई है, उसके चेहरे पर रिंकल्स से अजीब सी खर्रे से पड़ जाते हैं, वाइट वाइट से हो जाते हैं, वो इसमें आधा चम्मच ग्लिसरीन ज़रूर ऐड कर लें, ठीक है। तो मैं उसको जो है मैं आपको अप्लाई बताती हूँ कैसे लगाना है आपको, ठीक है। अपने फेस पे चाहे ब्रश की मदद से या हैंड की मदद से आप अपने फेस पे अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। दोस्तों मैं अपने हैंड्स पे दिखा रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है मैं अपने फेस पे नहीं अप्लाई कर रही हूँ, तो आप सोच रहे हैं कि अपने फेस पे नहीं अप्लाई कर रही, अपने हैंड्स पे अप्लाई कर रही है, तो मैं कैसे यकीन ट्रस्ट कर लूँ। दोस्तों मैं इसे सच में 100% कर रही हूँ, आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं दे रहा है। मैं अपने हैंड से बना रही हूँ क्योंकि मेरे मोबाइल का कैमरा अच्छा नहीं है जो कि मैं अपने फेस को जो दिखा सकूँ, चाहे मैं एडिटिंग करूँ, कुछ भी करूँ। ये तो मैं लाइट के ओपन कैमरा यूज़ करती हूँ, उसमें लाइटिंग है इसलिए थोड़ा सा ये इसका सूट हो पाता है, ठीक है। जब मैं अच्छा सा कैमरा लूँगी तो मैं वीडियो ज़रूर फेस दिखाकर ज़रूर वीडियो अपलोड करूँगी, पूरा दिखाऊँगी। आप क्या सोचते हैं कि ये मैं इसको लगाने के बाद फेंक देती हूँ? जी नहीं, मैंने पैसा खर्च कर रखा है तो मैं इसको अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ, जो ये बचे हुए हैं ना अपने फेस पे, मैं इसको अप्लाई करती हूँ, मैं इसको फेंकती नहीं हूँ। बस मैं यही है कि आप दोस्तों, मैं सबसे आपसे गुजारिश यही करूँगी कि आप इसे अपने फेस पे लगाइए, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, एक जेन्युइन है। जो चीज़ मैं अपने फेस पे 10 दिन लगा लेती हूँ, 4 दिन 5 दिन से कम नहीं रहता, उसे ही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तभी मैं वो वीडियो आपके पास अपलोड करती हूँ, ठीक है। तो इसको 15 से 20 मिनट लगे रहने दीजिए, फिर सर्कुलर मोशन में छुड़ा कर इसे वॉश कर लीजिएगा नॉर्मल पानी से, और अपने फेस पे अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगा कर आप सो जाइएगा। मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि अगर आप कोई भी फेस पैक लगाएं तो नाइट में लगाएं, डे में ना लगाएं, ठीक है। तो अब ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट करिएगा, और इसे यूज़ करने के बाद तब आके कमेंट करिएगा, और वीडियो अच्छा लग जाए तब आके सब्सक्राइब करिएगा। मैं ऐसा नहीं कह रही कि मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब करिए, ठीक है दोस्तों। तो मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, अगला पैक लेकर हाजिर होंगी, तब तक के लिए मैं बाय बाय करती हूँ, ओके।